वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सितारों का जहाँ। सो बेसिकली आज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग एवर। इससे पहले मैंने इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग नहीं की एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। सो ये कोई बिल्कुल महसूस स्पेसिफिक चीज़ पर तो नहीं है, लेकिन ये है कि अभी जो मेरी रूटीन है इस वक्त की, वो मैं आपके साथ गाइस शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि मैं इस वक्त क्या करने जा रही हूँ। सो इस वक्त ऑलमोस्ट 5:08 हो चुके हैं और शाम की जो खाना है उसकी तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं। सो मेरी सिस्टर ने दाल बना ली है और मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं इसके साथ वाइट चावल जो है बॉईल कर लूँ। सो अभी मैं बॉईल करने जा रही हूँ वाइट राइस, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। है इसकी रेसिपी तो हर एक को आती है, लेकिन मैं ये आपके साथ ऐवें शेयर करूँगी। सो मैंने ये पानी ऐड मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है एंड देन मैं इसमें घी ऐड करूँगी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वान्टिटी हम लोगों ने दो जो मैंने कोल इसमें बॉइल करने हैं राइस, तो मैं इसमें 2 स्पून जो है वो ये घी ऐड करने देती हूँ। अब हम इसको कवर करके रख देंगे इस तरह। ये पानी बॉयल होगा उसके बाद हम लोग राइस ऐड करेंगे। बाय द वे जो वॉइस आ रही है पीछे से, वो मेरे छोटे भाई अयाज की है, सो इग्नोर हिज वॉइस। सो जब तक चावलों का पानी बॉयल हो रहा है, मैंने कहा क्यों ना आपके साथ मैं शेयर करूं। इस वेदर की सिचुएशन काफ़ी खुशगवार माहौल हुआ हुआ है, काफ़ी अच्छे वाला वेदर हुआ हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जिन्होंने हमें फिर से बारिश दी है। और गर्मियां हम कह रहे थे आ गई हैं और सर्दियाँ जा चुकी हैं, लेकिन आज फिर फील हो रहा है कि सर्दियाँ अगेन आ गई हैं और ये काफ़ी अच्छा वेदर है और यूजली मुझे ये वेदर बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इस वक्त हम अपने लान में मौजूद हैं जहाँ हम लोग ने ये पौधे वगैरह लगाए हुए हैं और ये सारी मेहनत है, हार्डवर्क है मेरी दादी माँ की और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और जितने यहाँ पे पौधे दिख रहे हैं, दरख्त हैं, ये सारी उन्हीं की मेहनत है। सो पानी बॉयल हो चुका है और अब हम लोग इसमें अपने चावल ऐड करने लगे हैं। बाय द वे आप लोग इसमें ऑयल ऐड करें तो वो ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है, लेकिन ऑयल था नहीं, सो दैट्स व्हाई हम लोग ने इसमें घी ऐड किया है, क्योंकि जो घी होता है वो थिक होता है, सो वो उसकी लेयर्स बनना शुरू होती है, लेकिन ऑयल जो होता है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। सो आप प्रेफर किया करें ऑयल ही ऐड करें। सो ये दाल जो है वो बनाई है मेरी सिस्टर ने और इसके साथ मैंने वाइट चावल जो है वो मैं बॉईल कर रही हूँ। सो काफ़ी अच्छा हो जाता है जब इस तरह की कुछ बना हो, सालन वगैरह, तो आप उसके साथ चावलों को अगर प्रेफर करें तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको फिर साथ में फुलके भी बनाने पड़ते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा वाली एफर्ट हो जाती है। और आप रेसिपी जो है वो चेंज कर लें, वीक में 1-2 दफ़ा आप साथ में सालन के साथ चावल बॉईल कर लें तो वो भी बेस्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं। ओके जी, ये जो है ये भी मेरी दादी माँ ने जो है वो रखी थी जब वो जिंदा थी, सो हम लोग ने अभी तक इस चीज़ को बरकरार रखा हुआ है। हम लोग मुर्गी या ये बत्तख वगैरह रखते हैं और एक इनका फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आपको सर्दियों में खालिस अंडे मिल जाते हैं, देसी अंडे मिल जाते हैं। सो उसके अलावा ये है कि आप जो आपके बड़ों की रवायात होती हैं या उनकी जो आदतें होती हैं वो आप जब कैरी करते हैं तो वो अच्छा हो जाता है। बाय द वे आपको जो यहाँ पे अनक्लीननेस दिख रही है वो आपको बताया बारिश हुई है और उससे पहले काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आया था, अंधेरी आई थी काफ़ी ज़्यादा, सो उसकी वजह से ये अच्छे वाला बिखरा हुआ है। फिर हम लोग इसको क्लीन करके आपके साथ लॉन जो है वो प्रॉपर शेयर करेंगे, क्योंकि लॉन में एक तो ये है कि शेडी ट्रीज़ भी हैं जिसके हम लोग अंडर बैठ के
टी टाइम होता है, एक प्रॉपर हम लोग ने जगह बनाई हुई है लॉन में, और वहाँ पे हम बैठ के चाय वगैरह पीते हैं जब भी हम सारे इकट्ठे होते हैं, और स्पेशली जब मैं चाय पीती हूँ क्योंकि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। आप मुझे सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चाय देते रहे, मैं इसको लगातार मुसलसल पीती रहूँगी। कह सकते हैं कि मैं टी लवर हूँ। आप में से कौन कौन चाय को पसंद करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं हम लोग और आपको बताते हैं कि राइस हमारे रेडी हुए हैं कि नहीं। लुक दें वैसे मैं आपको एक मशवरा दूँ, ये है कि आप लोग पंजाबी में कहते हैं कच्चियाँ चोखियाँ ना मारिया करो, क्योंकि ये चावल टूटने का अच्छा होता है आप जब ज़्यादा उसको करते हैं, तो ये एक प्रॉपर टेक्निक होती है आप इनको करके सो वो करते हैं। हमारा बस फाइनल एक दम रह गया जो कि हम लोग देंगे 10 to 15 minutes, आफ्टर डैट हमारे राइस बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। मैं आपके साथ फाइनल प्लेट भी शेयर करूँगी। सो हमने सोचा है कि जब तक हम लोग ने दम दिया हुआ है अपने चावलों को, हम साथ में सैलड बना लेते हैं। सो खीरे तो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, बट ये है कि आप टमाटर या दाल हो तो उसके ऊपर आप हरी मिर्चें ऐड करके खाएं तो वो काफ़ी आपको मज़ा देता है। सो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जब दाल चावल हो उसके ऊपर हम लोग टमाटर हरी मिर्चें ऐड करके खाएं। तो हमारी जो रूटीन है वो यही है कि हम लोग शाम को जब खाना खाते हैं, सो मुझे आई हैव टू मेक टी फॉर एवरीवन। हमारे घर में शौकीन है हम लोग सब भी तकरीबन एक दो अफराद को छोड़ के, एंड फिर वो चाय रखनी होती है, साथ में दूध बॉयल करना होता है। वो ये है कि शेक बना के दो, डिपेंड करता है कि क्या पीना पसंद करते हैं या कैसा मूड है उनका। सो शेक या सिंपल मिल्क जो है वो पी लेते हैं घर वाले। सो ये है कि वो रूटीन होती है, उसके बाद किचन को हम लोग ने समेटना होता है, एंड फिर ये है कि हम लोग फ्री हो जाते हैं। और वैसे तो रमज़ानुल मुबारक भी आ गया है, 23 मार्च को फर्स्ट रोज़ा है, सो उसकी प्रिपरेशन भी हम लोग ने स्टार्ट की हुई है। जो क्लीनिंग होती है, डस्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको होता है, वॉश करना होता है और एक प्रॉपर जो है उसका इस्तकबाल करना होता है। बहुत ही वार्मली तरीके से इस्तकबाल करते हैं रमज़ानुल मुबारक का, और ये एक जो महीना होता बबरकत, वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको इंजॉय भी करते हैं, स्पेंड भी करते हैं, और ये होता है कि आपका कनेक्शन जो अल्लाह ताला के साथ होता है वो मज़ीद स्ट्रॉन्गर हो जाता है। और सो अभी ये हम लोगों ने सैलड तैयार कर लिया है, ग्रीन चिलीज़ आपको ज़्यादा नज़र आ रही होंगी, सो आप को तो आई गेस पसंद हो ना हो, लेकिन हमें ग्रीन चिलीज़ काफ़ी पसंद हैं दाल चावलों के ऊपर, दैट्स वाई हम लोगों ने इसमें ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ को ऐड किया है। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो हर किस्म मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।